और राजधानी रांची समेत झारखंड के दर्जन भर ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ सभी जगहों पर कार्रवाई की। वहीं विधायक प्रदीप यादव के करीबियों और बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज शर्मा की आवास पर ईडी क्यों पहुंची, देखिए रिपोर्ट। झारखंड में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, गोड्डा, दुमका, रांची में ताबड़तोड़ छापेमारी, 12 जगहों पर एक साथ ईडी का छापा। विधायक प्रदीप यादव के करीबियों के ठिकानों पर छापा, पूर्व विधायक मनोज शर्मा के आवास पर छापा। रांची समेत राज्य की 12 जगहों पर मंगलवार को ईडी ने एक साथ छापेमारी की। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। रांची में विधायक प्रदीप यादव के आवास समेत 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई। प्रदीप यादव के गोड्डा के सरकंडा स्थित आवास पर भी ईडी की छापेमारी हुई। प्रदीप यादव के पीए देवेंद्र पंडित के घर पर भी छापेमारी हुई। प्रदीप यादव के करीबी ठेकेदार श्यामकांत यादव के होटल स्काई ब्लू में भी ईडी की छापेमारी हुई। श्यामकांत यादव गोड्डा के बड़े ठेकेदारों में गिने जाते हैं। वहीं ठेकेदार मनोज कुमार अकेला के घर भी ईडी की छापेमारी चली। रांची के बरियातू में बिल्डर शिव कुमार के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है। टीम घंटों कागजात खंगाली। इस दौरान सुरक्षा को लेकर ईडी की टीम ने घर के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती कर रखी थी। शिव कुमार के रातू रोड स्थित दफ्तर में भी ईडी की टीम ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि शिव कुमार सत्ता के करीबी है और ब्यूरोक्रेसी में उनकी अच्छी पकड़ है। बरियातू अरविंद मार्ग बुट्टी रोड पर छापेमारी की गई, जो कि ये शिव कुमार के ठिकाने हैं। ये एक बिल्डर के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं और ऐसे में पिछली बार जब छापेमारी की गई थी, छापेमारी के दौरान जो आयकर विभाग को जानकारी मिली थी कि शिव कुमार जो है जो बिल्डर के रूप में है और अपनी आयकर जो चोरी करने के मामले को लेकर के इनने जो अचल संपत्ति अर्जित की है, और इस पूरे मामले को लेकर के ईडी अब जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जाँच के क्रम में अब तक बातें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही आज रांची के डोरंडा स्थित प्रदीप यादव जो कि विधायक हैं उनके आवास में छापेमारी की गई। दुहरुआ में सुचित्रा देवी हैं उनके ठिकाने पर छापेमारी की गई। ये शिव कुमार के ठिकाने हैं जो कि बिल्डर हैं, इसके जगह में छापेमारी की गई। इस दौरान जो है कई गाड़ियां में जो ईडी के अधिकारी थे वो पहुंचे थे और लगातार कागजों को खंगालने का काम कर रही है। दुमका में भी पेयजल और स्वच्छता विभाग के दो बड़े ठेकेदार अजय कुमार झा और विनोद कुमार लाल के घर ईडी की छापेमारी हुई। सुबह 6 बजे से ईडी की टीम छापेमारी की। विनोद कुमार लाल नगर परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष है, जबकि अजय कुमार झा की पत्नी श्वेता झा अध्यक्ष रही हैं, जिनका कार्यकाल कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ है। रांची के दुर्वा में पूर्व विधायक सह वैष्णवी कंस्ट्रक्शन के निदेशक मनोज शर्मा के आवास पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। सुबह से ईडी की टीम कागजातों के खंगालने में जुटी रही। घर के अंदर कई ऐसे अलमीरा मिले जो बंद थे। घर के लोगों के द्वारा उसकी और ईडी की कार्रवाई पर अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही केंद्रीय एजेंसियां क्यों सक्रिय है, तो वहीं विपक्ष के नेताओं को निशाना क्यों बनाया जाता है। वहीं बीजेपी का दावा है कि ये मोदी सरकार का न्यू इंडिया है, जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। निशाने पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष हमलावर, विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। न्यू इंडिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ नो टॉलरेंस। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने मंगलवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी कर्नाटक की हार का बदला ले रही है। ईडी के खेल में विपक्ष अब डरने वाला नहीं है, क्योंकि कर्नाटक की हार अभी तक भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है, तो एक बेचैनी और छटपटाहट जो महसूस हो रही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आरएसएस के द्वारा करवाया गया सर्वे में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, राजस्थान भी हार रही है,
तो ये जो हार की अब बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को है, ये उसी का प्रमुख कारण है कि विपक्ष के और कांग्रेस के विधायकों के ऊपर ईडी का छापा अब लगातार जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं अब एक डर चौकीदार साहब के मन में समा गया है कि अब हमारी सत्ता 2024 में जाने वाली है, और ये उसी डर का भी फलाफल है कि कांग्रेस के ऊपर लगातार उनकी आवाज को दबाने का एक लगातार प्रयास जो है ईडी के वो आगे करके किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई पर जेएमएम भी आक्रोशित है। जेएमएम ने कहा, गैर बीजेपी शासित राज्य में ही आखिर क्यों ईडी की कार्रवाई होती है? बीजेपी राजनीतिक रूप से जिन नेताओं को परास्त नहीं कर पाती उसके पीछे ईडी लगा देती है। जो लोकप्रिय नेता है जिनसे राजनीतिक रूप से वो परास्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें इस तरह की कवायद, जैसे झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश में प्रदीप यादव जी एक मुखर व्यक्तित्व, मुखर विधायक, तानाशाही सरकार के विरोध में बोलने वाले एक पिछड़े समुदाय के नेता, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो जो भी मुखर होगा, जो भी निडर होगा, जो बोलेगा, जो लड़ेगा, वो टारगेट में आएगा, यही हो रहा है। उधर आरजेडी का कहना है कि ईडी की कार्रवाई से विपक्ष अब डरने वाला नहीं है। 2024 में जनता जवाब देने का मन बना चुकी है। विपक्ष पूरी मजबूती के साथ केंद्र के हर हमले का जवाब देगी। छापेमारी करके और परेशान करना ताकि हम अपने काम से भटक जाए, तो इस ये काम होगा, होता ही रहेगा। खैर, इससे हम लोग डरे नहीं हैं, वो करें, हमारा काम है कि हम उनका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ईडी और सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वो जनता के सामने है। आने वाले दिन में जनता तय करेगी और भाजपा को देश से भगाने का काम करेगी। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने पुराने इतिहास को भूल गई है। कांग्रेस के राज में एजेंसियां उनके पार्टी दफ्तर में चला करती थी। यह मोदी जी का न्यू इंडिया है, यहाँ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। देखिए, ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। अब कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, आप सांसद और विधायक हो, अगर आपने भ्रष्ट आचरण किया है या एजेंसियों को आपके खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो आपके घर दबिश पड़ेगी, और अगर आप निर्दोष है तो दुनिया की कोई भी एजेंसी आपको फंसा नहीं सकती। लेकिन हर एक चीज को अगर आप राजनीतिक आईने से जोड़कर देखेंगे तो ये साफ दिखाता है कि आप फ्रस्ट्रेशन के दौर से हैं। हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति, और आप कोई भी हो, अगर आपके यहाँ इनपुट है, सब कुछ है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सियासी दल हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं। विपक्षी दलों को लगता है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदों के लिए किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी जांच एजेंसियों की कार्रवाई को भ्रष्टाचार पर प्रहार मानती है। लेकिन ये बात सच है कि ईडी की कार्रवाई से वो लोग सकते में है जिनके तार भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।